दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टोरी बिहाइंड स्टोरी को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी बिहाइंड स्टोरी में, जहां आपको मिलते हैं क्रिकेट, बॉलीवुड और ऐसी ही बड़ी घटनाओं और हस्तियों के पीछे की रोचक और अनोखी कहानियां। दोस्तों, क्रिकेट की इस सीरीज में हम इन दिनों बात कर रहे हैं क्रिकेट से जुड़े कुछ अनसुने और अनोखे किस्सों की। दोस्तों, अगर क्रिकेट की बात करें और मिस्टर कूल कैप्टन MS धोनी की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, MS धोनी को भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे अच्छा विकेट कीपर तो माना ही जाता है, परंतु कप्तान के रूप में भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को कोई नहीं भुला सकता। दोस्तों, MS धोनी ने अपने 14-15 सालों के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत जल्द ही अपना लोहा बनवा लिया था। दोस्तों, MS धोनी ने जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा तो उनकी बल्लेबाजी की शैली बहुत ही आक्रामक थी। आपको उनको वो पाकिस्तान का दौरा तो याद ही होगा जब धोनी ने सभी पाकिस्तानी गेंदबाजों की पिटाई की थी और विश्व क्रिकेट में अपने आगमन की छाप छोड़ दी थी। दोस्तों, धोनी द्वारा इजाद हेलीकॉप्टर शॉट देखते ही बनता था और बाद में बहुत से बल्लेबाजों ने इसी हेलीकॉप्टर शॉट की कॉपी की और वो भी आगे चलकर फेमस हुए। दोस्तों, धोनी का आगमन भारत के उन छोटी सिटी वाले क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि इससे पहले बहुत ही कम क्रिकेट खिलाड़ी छोटी सिटी से अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचे थे और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया था। दोस्तों, धोनी ने इन छोटी सिटी के खिलाड़ियों के दिलों में एक आशा की किरण भर दी थी और इसके बाद बहुत से क्रिकेट खिलाड़ी इन छोटी सिटी से क्रिकेट के सबसे बड़े मंच तक पहुंचे थे। दोस्तों, धोनी का अंदाज सबसे अलग ही है, चाहे वो बल्लेबाजी हो, विकेट कीपिंग हो या कैप्टनशिप हो, उनका रिव्यू लेने का अंदाज भी कुछ अनोखा ही था। दोस्तों, एक समय तो DRS को धोनी रिव्यू सिस्टम के नाम से भी जाना जाने लग गया था। दोस्तों, धोनी की कप्तानी में भारत ने 2-2 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और टेस्ट टीम में नंबर 1 का खिताब हासिल किया था, लेकिन दोस्तों, धोनी ने अपने बल्लेबाजी की शैली धीरे धीरे आक्रामक से एक जिम्मेदार बल्लेबाज के तौर पर बना ली थी। दोस्तों, आज भी MS धोनी को भारत के कुछ चुनिंदा बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है, जिसने भारतीय टीम का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया था। खैर दोस्तों, धोनी जब भारतीय टीम में आए थे तब वो एक खामोश से रहने वाले सीधे साधे क्रिकेटर थे, क्योंकि वे एक छोटी सिटी से आए थे जो बड़े शहरों की चकाचौंध से काफी दूर थे। दोस्तों, आज के इस किस्से में हम धोनी के ही एक किस्से की बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, धोनी भले ही आज धोनी का जलवा रहा है और रहेगा, लेकिन अपने शुरुआती दिनों में उनकी ड्रेसिंग रूम में खूब टांग खिंचाई होती थी। दोस्तों, उनके साथी खिलाड़ी उन्हें बिहारी कहकर छेड़ा करते थे। युवराज सिंह, जो उनके काफ़ी साथ में उन्होंने क्रिकेट खेला और उनकी दोस्ती भी काफ़ी मशहूर हुई, शुरुआत में युवराज सिंह धोनी को कहते थे कि चौके छक्के लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो होती है मैच जिताना। लेकिन दोस्तों, उसके बाद में धोनी ने एक के बाद एक मैच जिताऊ पारियां खेलनी शुरू कर दी, तो अब युवराज सिंह उन्हें अलग अंदाज से छेड़ने लग गए और कहने लगे कि दोस्तों, धोनी जी, खिलाड़ी की असली परीक्षा तो टेस्ट मैच में होती है, वनडे में नहीं। दोस्तों, युवराज की पंक्तियों से तंग आकर एक दिन माही ने पूछ ही लिया, ये सब तो ठीक है भाई, ये चलता रहेगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम हमेशा मुझसे नाराज ही क्यों रहते हो। बस दोस्तों, इस दिन के बाद दोनों की दूरियां मिट गई और दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों, युवराज और धोनी ने भारत के लिए बहुत सी मैच जिताऊ पारियां खेली और
हमें वो मैच आज भी याद है जब युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे और धोनी उनके साथ में थे। दोस्तों तो यह था एक ऐसा किस्सा जब कैसे शुरुआती दिनों में MS धोनी को टीम के बाकी खिलाड़ी छेड़ा करते थे और युवराज सिंह उसमें सबसे आगे रहते थे। तो दोस्तों किस्सा आपको कैसा लगा? अगर ये किस्सा आपको पहले से पसंद था तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और पास वाले बेल आइकन को जरूर हिट कर दिए ताकि आप तक ऐसे नए नए किस्से जल्दी और आसानी से पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।